हे टेकीज, वेलकम टू आवर चैनल टेक वोटेड। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी 8 प्रो और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के बीच में। पिछली बार हमने रियलमी 8 और नोट 10 प्रो के बीच कंपैरिजन किया था एंड देन आई थॉट कि ये दोनों फोन्स भी एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं एंड जो एक मार्जिन है डिफरेंस की वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए ये कंपैरिजन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड लाइक ऑलवेज वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो फॉर सम अमेजिंग टेक कंटेंट। तो कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं विद द डिस्प्ले। देन इस मामले में चीज़ें पिछले कंपैरिजन से बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। रियलमी 8 प्रो में बिल्कुल सेम रियलमी 8 जैसा ही डिस्प्ले है एंड नोट 10 प्रो मैक्स में भी सेम नोट 10 प्रो वाला ही डिस्प्ले है। बट स्टिल एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो रियलमी 8 प्रो में एक 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन। ऑन दी अदर साइड नोट 10 प्रो मैक्स में एक 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन एंड इसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो एग्जैक्टली सेम डिजाइन है इनके लोअर वेरिएंट जैसा ही। रियलमी 8 प्रो में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है जबकि नोट 10 प्रो मैक्स में ग्लास टाइप का पैनल मिलता है। इन दोनों फोन्स में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। डिजाइन की बात करें तो रियलमी 8 प्रो में थोड़े फ्लैशी कलर्स मिलते हैं एंड नो डाउट 10 प्रो मैक्स का भी डिजाइन काफी अच्छा है। इस मामले में आपको किस फोन का डिजाइन बेटर लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चिपसेट की बात करें तो यहाँ चीज़ें बहुत सिमिलर है। रियलमी 8 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट मिलता है जबकि नोट 10 प्रो मैक्स में क्वालकॉम का ही 732G प्रोसेसर दिया गया है। दोनों का ही अंतुदु स्कोर आता है 280,000 के अराउंड। ऑप्टिमाइजेशन वाइज 732G स्लाइटली बेटर है बट डेफिनेटली रियल लाइफ में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। गेमिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह इन दोनों से ईजिली कर सकते हो, कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो रियलमी 8 प्रो में एक 4500mAh की बैटरी मिलती है विद 50 वॉट सुपर डार्ट चार्जिंग एंड यूएसबी टाइप सी पोर्ट, बट बॉक्स में जो है एक 65 वॉट का चार्जर दिया गया है। रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में एक 5020mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड यूएसबी टाइप सी पोर्ट। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो रेयर साइड पर दोनों में ही 108 मेगापिक्सल का सैमसंग HM2 वाला प्राइमरी सेंसर मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है एंड बस डिफरेंस मैक्रो लेंस में है जो कि रियलमी 8 प्रो में 2 मेगापिक्सल का है जबकि नोट 10 प्रो मैक्स में 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो लेंस मिलता है जो कि एक 2x टेलीफोटो लेंस की तरह भी काम करता है। ओवर दी फ्रंट दोनों में ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि 8 प्रो में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है वेयर एज नोट 10 प्रो मैक्स में सेंट्रल अलाइन पंच होल दिया गया है। कैमरा में सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी दोनों से कर सकते हो। बाकी फीचर्स की बात करें तो डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, कैमरा टू API वगैरह का सपोर्ट मिलता है एंड सारे एसेंशियल सेंसर्स भी मिलते हैं इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि नोट 10 प्रो मैक्स में साइड माउंटेड है जबकि रियलमी 8 प्रो में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। OS की बात करें तो 8 प्रो में रियलमी UI 2.0 मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। 10 प्रो मैक्स में MIUI 12 मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों में ही थोड़ा बहुत प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर मिल जाता है जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बात करें प्राइसिंग की तो रियलमी 8 प्रो का बेस वेरिएंट आता है 6GB 128GB के साथ जिसकी प्राइस है 18,000 रुपीज़। ऑन दी अदर साइड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में 664 वाला एक वेरिएंट आता है जिसकी प्राइस है 19,000 रुपीज़ एंड इसका जो आइडियल कॉम्बिनेशन है दैट इज 6128 वेरिएंट, उसकी प्राइस है 20,000 रुपीज़। मतलब नोट 10 प्रो मैक्स की प्राइस रियलमी 8 प्रो से 2,000 रुपये ज़्यादा है। वैसे इतना कोई डिफरेंस नहीं है वो 2,000 रुपये को कॉम्पेंसेट करने के लिए, बस 120Hz का एक ज़्यादा एडिशनल फीचर है। उसकी जगह रियलमी 8 प्रो में 50 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये जो 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस है उसको काउंट करने से पहले प्रेफरेंस देखना जरूरी है। काफी लोगों को MIUI 12 में और रेडमी एज अ ब्रांड में इंटरेस्ट होगा या फिर कुछ लोगों को रियलमी UI और रियलमी की ब्रांड इक्विटी ज्यादा पसंद आएगी। सेम गोज विद डिजाइन ऑल्सो। वेल, आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा जस्टिफाइंग लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। That's it for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then hit the like button and subscribe our channel for some amazing tech content. Keep showing love and stay devoted to tech just like we do.